हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस साल यानी कि 2019 में दिए गए ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमने टोटल 15 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपकी आने वाली किसी भी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस इसी बात से लगा सकते हैं कि बीते वर्ष 2018 में जो ऑस्कर अवार्ड्स दिए गए थे उनसे जुड़े बहुत सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए, तो निश्चित रूप से इस वीडियो से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। इस वीडियो में मैं ऑस्कर अवार्ड 2019 से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। 24 फरवरी को ऑस्कर पुरस्कार 2019 का वितरण किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? मैं चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों को खुद से हल करें ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। तो इसलिए मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का समय दूंगा और उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आई होप आप सभी ने इसका सही आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 91वां। चूंकि ऑस्कर पुरस्कार हर साल वितरित किए जाते हैं और इस बार इसका 91वां संस्करण है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2018 में इसका 90वां संस्करण आयोजित किया गया था और आने वाले 2020 में इसका 92वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इस साल की आपको डेट याद रखनी है 24 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्कर पुरस्कार जो कि हर साल दिए जाते हैं ये निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस, और इसे शॉर्ट में बोलेंगे एम्पस। तो आपको इस क्वेश्चन में बस इतना ही याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किस वर्ष प्रदान किए गए थे? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1929। तो ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले 16 मई 1929 को प्रदान किए गए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 91वें ऑस्कर अवार्ड जो कि इसी साल दिए गए हैं 2019 में, इसकी सेरेमनी का आयोजन कहां पर किया गया था? तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि डॉल्बी थिएटर, लॉस एंजल्स। अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में 24 फरवरी को 91वें ऑस्कर प्रदान किए गए अलग अलग कैटेगरीज में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस फिल्म ने बेस्ट मोशन पिक्चर यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आपको मिलते हैं 3 सेकंड, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि ग्रीन बुक। आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। आपको बता दूं कि इसमें भारत की एक फिल्म है विलेज रॉक स्टार्स, ये नामित हुई थी लेकिन इसने इसमें कोई भी अवार्ड नहीं जीता है। तो आपको इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ग्रीन बुक को। क्वेश्चन नंबर 6, 91वें ऑस्कर अवार्ड 2019 में बेस्ट मोशन पिक्चर कैटेगरी में भारत की कौन सी फिल्म नॉमिनेट हुई थी? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पीछे बता चुका हूं, तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपके पास है 3 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विलेज रॉक स्टार्स। इसे 2019 ऑस्कर अवार्ड्स में नामित किया गया था लेकिन इसने कोई भी अवार्ड नहीं जीता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और यहां पर आपको बता दूं कि साल 2018 में न्यूटन फिल्म नामित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का अवार्ड जीता है, यानी कि बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड किसने जीता है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रोमा, और आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। तो आपको याद रखना है कि रोमा को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि सैलो। सैलो एक सॉन्ग है, इसे बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है। और अब आपको यहां पर पता होना चाहिए कि ये सॉन्ग किस फिल्म से है, तो उस फिल्म का नाम है ए स्टार इज बॉर्न। क्वेश्चन नंबर 9, ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि रामी मालिक, और आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को यह वीडियो पसंद आ रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, चूंकि रामी मालिक को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस फिल्म के एक्टर हैं। उस फिल्म का नाम है बोहेमियन रैप्सोडी। ओके, बोहेमियन रैप्सोडी।
तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ऑस्कर पुरस्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स इसका क्या आंसर होगा। आई होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि एकेडमी अवार्ड्स। ऑस्कर अवार्ड्स का ऑफिशियल नेम है एकेडमी अवार्ड्स, तो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए इसका क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओलिविया कोलमैन। ओलिविया कोलमैन को बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है ऑस्कर अवार्ड्स में। अब चूंकि ओलिविया कोलमैन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किस फिल्म के एक्ट्रेस हैं। उस फिल्म का नाम है द फेवरेट, द फेवरेट। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला? आपको मिलते हैं 3 सेकंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्फांसो क्यूरोन। इन्हें बेस्ट डायरेक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया है। अब चूंकि अल्फांसो क्यूरोन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि ये किस फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो याद रखिएगा कि अल्फांसो क्यूरोन जो हैं, ये रोमा फिल्म के डायरेक्टर हैं, जिसे बेस्ट फॉरेन फिल्म का अवार्ड दिया गया था। इसी वीडियो में आपको बता चुका हूं। फ्रेंड्स यहां पर आपको कमेंट्स मिलकर ये बताना है कि साल 2018 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था। अगर आपको इसका जवाब पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस फिल्म को बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है स्पाइडर मैन को, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? ये फिल्म भारत से है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। आपके पास 3 सेकेंड हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। और आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर किया होगा। तो ये रहा आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है। ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में किस फिल्म ने सबसे ज्यादा अवार्ड जीता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोहेमियन रैप्सोडी। अब चूंकि बोहेमियन रैप्सोडी को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं ऑस्कर पुरस्कार 2019 सेरेमनी में, तो आपको यहां पर पता होना चाहिए कि इसे कितने अवार्ड मिले हैं। इसे टोटल 4 अवार्ड मिले हैं, तो ये आप याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स यहां पर 2 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना है। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन बन जाए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का अवार्ड मिला है माहेर सेला अली को, और यहां पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। और इसी तरीके से बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का अवार्ड मिला है रेजिना किंग को, और यहां पर आप इनकी भी इमेज देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स यहां पर हमने ऑस्कर अवार्ड 2019 से जुड़े 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। तो अब मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप डेफिनेटली उसका राइट आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में 91वें ऑस्कर अवार्ड प्रदान किए गए, इसके संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो आपको बताना है कि इसमें से एक कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि सही नहीं है। मैं पढ़ देता हूं। बेस्ट एक्टर रामी मालिक, बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन, बेस्ट फिल्म बोहेमियन रैप्सोडी, और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो आपका जो भी राइट आंसर हो, ए बी सी या डी, नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो फ्रेंड्स बस आई होप आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही क्रिएटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो फिलहाल के लिए मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।